करीब 13-14 दिन के बाद फिर से निकल गया हूँ हॉस्टल से बाहर। साथ में है सारा, सारा है ऑस्ट्रिया से। हिचहाइकिंग करते हुए हम दोनों पहुँचेंगे अपने लक्ष्य पर। तो इसलिए पता नहीं, मुझे शायद अकेले सफ़र करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि किसी की कोई रोक टोक नहीं है, कोई प्रेशर नहीं होता है, तो थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ये। 5 बज गए, शायद 3:30 चले थे, पहुँच गए पचकोर, जहाँ पर मैं रुका था। इसका नाम है दास्तान गेस्ट हाउस, और इसको मैंने यहाँ पहुँच कर ऑनलाइन बुक कर लिया था। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ, वो आ गई है कार, उस कार में मैं जा रहा हूँ एक गांव में, और उस गांव में लंच करेंगे, और उसके बाद फिर अगले 3 दिन हम करने वाले हैं हॉर्स राइडिंग सोकुल का। तो ये हॉर्स राइडिंग ट्रिप होने वाला है, और इसकी कॉस्ट पर पर्सन पड़ी है $150, एक आदमी के लिए करीब 10,800 रुपये। The best time to do this trip so far? I would recommend you to visit Kyrgyzstan, not only this place in from April till June. July, August also is the best season, but it's very busy season. Very busy? Busy, yes. April se June in bhai sahab ke hisab se Kyrgyzstan mein aane ka sabse badhiya waqt hai. और जून के बाद जुलाई और अगस्त के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बिजी टाइम हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। एक बात तो है कि कार के अंदर बैठ के या किसी बंद गाड़ी के अंदर बैठ के दुनिया बड़ी खूबसूरत लगती है। बाहर इस वक्त जैसे उन्होंने बताया कि +2 है टेम्परेचर, सर्दी काफ़ी है, और अंदर हम यहाँ पर बहुत वार्म सा कोजी सा माहौल है। अच्छा है, बता रहे हैं कि ये जो पीछे लिखा हुआ है ये है जिमगाल रीजन, इसके आगे जुमगाल रीजन, उस तरफ शुरू हो जाता है, और इस तरफ है कचकोर रीजन, और ये है पास। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पास? किजार्थ पास है। ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, 2600 मीटर है, 2670 मीटर्स इसकी हाइट है। जंगारिक विलेज गांव आ गया, सड़क से अंदर आ गए, वहाँ जा रहे हैं उस गांव में, वहाँ से मिलेंगे घोड़े, फिर खाना वाना खा के निकल जाएंगे आगे पहाड़ों पर। हेलो, सलाम। ये हैं हमारे घोड़ों के मालिक। वाओ, कितना अच्छा लगता है मड़ाई लेके। दादा 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 दादा
Dada. Bye. Bye. Okay, take this. Как вас зовут? Байер. Байер? Меня зовут Альшер. А? Меня Альшер. А, как вас зовут? Меня зовут Альшер. Альшер. Байер. А? Байер. Байер. एक्चुअली मुझे कपड़े पहनने थोड़े से ज़्यादा लेयर्स पहननी पड़ेंगी क्योंकि आगे टेम्परेचर माइनस में होने वाला है तो कमरे में आ गए थे मैं कुल मिलाकर दो मतलब मेरे पास नीचे पहनने के लिए चार लेयर्स हैं अंदर मैंने पहनी हुई है एक मरीनो वूल की लेयर है उसके ऊपर मेरी वो जो कैमोफ्लाज वाला जो कार्गो पैंट्स हैं वो हैं और अभी अभी मैंने ये पहन लिया है और उसके ऊपर एक और है मेरे बैग में ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी पहन लूँगा और शायद ज़रूरत पड़ेगी आगे जाकर ओके बाका बाय 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 टाटा 12 बज चुके हैं लंच कर लिया यहाँ पर खाया वही करतोश का और ब्रेड और वो बहुत सारी चीज़ें जो आपने पहले कभी देखी थी मेरे शुरुआती वीडियोज़ में ये उनकी कार है असकत असकत जनाब असकत की कार यहाँ खड़ी हुई है 3 दिन बाद हम आएंगे इसी कार से वापस लौटेंगे और इन्होंने हमें खाना खिलाया इस सारे जो हमने कीमत अदा की है इसमें इन घोड़ों की खाने की और रहने की सारी वो कीमत शामिल है थैंक यू वेरी मच बलशो स्पासीबा और इन्होंने बताया कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको ये सनग्लासेस की बिकॉज ऊपर बर्फ काफ़ी ज़्यादा है अब दिक्कत ये है कि मैं इसको लगाऊंगा कैसे और इसको लगा लिया तो देखूंगा कैसे क्योंकि मेरा नंबर बहुत ज़्यादा है आँखों का तो मैं अब इसके ऊपर ही लगा लूँगा असकत थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेलकम लेट मी शो यू दैट वुड बी हेल्पफुल इन द स्नो डू आई लुक गुड Yeah, yes. Хорошо? Да. А, хорошо, хорошо. Вау. Шахрух Хан. Okay. How should I start? From here, from this side, yes. Put your left feet okay. first. And then? Mm-hmm. Yeah. And it's the same side to go down. Okay. Okay, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया, but मैं try करता हूँ. मैंने मैं क्या हुआ? Askat. Yes. Yeah. Good. Good. Longer, yeah. Uzart per qas jenge. This. And how do I hold my camera? Better to not hold the camera on the horse. I can't hold this camera on the horse? Yes. Then who will make videos? Mujhe video banana hai. Chu. Chu. अभी भागना पड़े ओए 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 भाई एक और कुत्ते How should I do? नहीं होते भाई सदा Oh shit हमें कोकोनी और कुत्ते Oh shit man Are you okay? I I'm okay yeah. Sure. I will train you how to ride a horse, yeah? Okay, thank you. जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस हॉर्स राइडिंग का और करीब 15-20 मिनट हो चुके हैं चले हुए और मेरी स्माइल को देख के अब आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि थोड़ा सा मैं अब ट्रेन हो गया हूँ मुझे अच्छा लग रहा है थैंक्स टू सारा वो एक वाकई ट्रेन राइडर हैं और थैंक्स टू असकत जो हमारे गाइड हैं लैंडस्केप तो फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे मैं चंबल में चल रहा हूँ मैं तो अपनी गिम्बल और ये अपना कैमरा अलग करके बैठ गया था बैग में डाल दिया था सोचा था कि अब शूट नहीं करूँगा कहीं रुकेंगे तब शूट करूँगा लेकिन अब चलते चलते कर ही लिया आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी लेकिन 3 दिन एक ऐसे ट्रिप पर जाना एक ऐसी लोकेशन पर जाना जहाँ पर बर्फ़ होगी हम
एक दो पासेस शायद क्रॉस करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा ये एक रियल एडवेंचर सा फील होता है। माई हॉर्स नेम इज चेतक इज चेतक बिलोंग टू अ वेरी फेमस किंग ऑफ इंडिया, फेमस वॉरियर किंग लाइक चिंगिस खान। यू ऑल्सो नो अबाउट प्लेस, दिस प्लेस कॉल्ड राजस्थान। सो going to see Varun, how he's doing on his horsey. Very slow, he's going very slow, but he's learning quick. So now you can see Varun going a little bit faster. Ha! And our guide Ankit, he's doing really well. Put your hands down. मतलब अभी अचानक ये तेज चलने लगा था तो थोड़ी सी गड़बड़ सी होने लगी थी। दो बज गए हैं और इन्होंने कहा, असकत भाई ने किया, चलो ब्रेक लेते हैं। तो घोड़े बांध दिए हैं वहाँ पेड़ के नीचे और नदी के पास हमने ब्रेक लिया। और अब जहाँ तक मेरी बात है तो मेरी जो टांगे हैं इस वक्त, बताता हूँ अब कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। ये मेरे थाइस, यहाँ मेरे घुटने, ये थोड़े से दर्द कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 2.5 घंटा हम लोग घोड़े पर रहे, गैलपिंग भी बहुत ज़्यादा की, मतलब घोड़ा काफ़ी दौड़ रहा था उछल उछल के। जब उछलता है तो थोड़ा डर लगता है। ये जो भाई साहब हैं असकात, इन्होंने कहा चलो मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। Thank you, Asad. Thanks. अच्छा लग रहा है। अब मैं बड़े कॉन्फिडेंटली चला रहा हूँ अपने घोड़े को। इनफैक्ट काफ़ी देर तक दौड़ाया भी था। धीरे धीरे मुझे लगता है मैं ट्रेन हो जाऊँगा और मैं शायद तीसरा दिन आते आते घोड़े को तरीके से चलाने लगूँगा। वो ब्रेक लेने के बाद ना, वो जो चाय वाली ब्रेक थी, मुझे सारी चीज़ें सिखाई थी इन दोनों ने, वो सारी लगता है उस चाय के साथ अंदर समा गई है और दिमाग में घुस गई है वो चीज़ें। तो अब मैं बहुत प्रॉपरली इस घोड़े को राइड कर पा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे यूथ कैंप्स हैं जहाँ पर जो गडरिए हैं उनके घर बने हुए हैं, साल भर यहाँ रहते हैं जनाब के हिसाब से। और ये जो सारा इलाका है, थोड़े दिनों में अभी तो बर्फ़ काफ़ी नीचे तक तो आई गई है, ये पूरा का पूरा ढक जाएगा ये इलाका। चैलेंज, पानी क्रॉस करने वाला चैलेंज। चो और द्र, ये दो शब्द सीखने थे। चो मतलब चलो, द्र मतलब रुको। करते करते करीब 4-5 घंटे के बाद पहुंच गए जहां हमको पहुंचना था। ये है आज का हमारा पड़ाव। टाइम हुआ है 3:30। भाई साहब मजाक कर रहे थे, 3 बजे हम लोग वहां कहीं थे। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा, कह रहे थे 2 घंटे, यानी 5 बजे का वक्त मैंने लगा लिया था, 3:30 पहुँच गए। अच्छा लग रहा है। ये है मेरा प्यारा घोड़ा, बहुत प्यारा है। ये मुझे इतनी दूर तक लाया है, पसीने से लथपथ है ये पूरा
नहा रहा है पसीने से। थैंक यू। सलाम। How is it? घोड़े पर सवार हो चुका हूँ, तैयार हूँ। 10:15 बज रहे हैं, आज का दिन शुरू, और बैटरी का कोई भरोसा नहीं कब ख़त्म हो जाएगी। मौसम बहुत ठंडा है। आगे आज शाम को अगला पड़ाव हमारा होगा सोनकुल। बीच में हम आज एक दर्रा क्रॉस करने वाले हैं। बाय बाय पक्का। बाय अकीला आई। बहुत प्यारी बच्ची है अकीला आई। फिलहाल मैं इसको रखता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो वाहन है ये चालू हो चुका है।